हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज की वीडियो में हम बॉक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम बॉक्सिंग की हिस्ट्री, इसके रूल, मेजरमेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज़ के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल शॉर्ट में हिस्ट्री देखते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूरोप के अंदर, और ओलंपिक में इसको कब शामिल किया गया, इसको 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया, लेकिन इसमें सिर्फ मेंस बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। बॉक्सिंग पहले महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी, बाद में 1994 में AIBA के द्वारा इसको मान्यता मिल गई थी, और उसके बाद फिर ओलंपिक में विमेन बॉक्सिंग को कब शामिल किया गया, वो किया गया 2012 लंदन ओलंपिक में। हम AIBA की बात कर रहे हैं, तो ये AIBA यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन होती है बॉक्सिंग की, एसोसिएशन इंटरनेश्नल द बॉक्स एमेच्योर, इसको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी बोला जाता है, विश्व मुक्केबाजी संघ। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लोसाने स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेजिडेंट है प्रेजेंट टाइम में, कौन इसके प्रेजिडेंट है, वो है उमर नजरोविच क्रेमलेव। और इंडिया के अंदर कौन सी एसोसिएशन है, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, 1949 को इसकी स्थापना हुई भारतीय मुक्केबाजी संघ की, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अभी अजय सिंह इसके प्रेसिडेंट है। और उसके बाद है देखिए बॉक्सिंग रिंग, इस तरह का रिंग होता है बॉक्सिंग में, यहाँ पर फाइट की जाती है, और इसका साइज कितना होता है ये देखिए, इस तरह से ये 6.110 मीटर का होता है। ये रस्सों के अंदर का जो भाग रहता है ये होता है 6.10 मीटर का, ठीक है, चौकोर ये होता है रिंग, और जो यहाँ से यहाँ तक ये रस्सों के बाहर देखिए 85 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस रहता है, दोनों तरफ में यहाँ पर भी रहेगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 7.80 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 7.80 मीटर, इसी तरह से यहाँ भी, और चारों तरफ में इस तरह से ही 7.80 मीटर इसका डिस्टेंस रहेगा। और इसकी हाइट कितनी रहती है, 1 मीटर इसकी हाइट रहती है। ये वाला देखिए प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का रहता है, और यहाँ से ऊपर 1.321 मीटर इसकी हाइट रहती है इस प्लेटफॉर्म से ऊपर। और इसमें देखिए रस्सियाँ लगी रहती है, 2 से 4 रस्सियाँ इसमें लगी रहती है। जो पहली रस्सी होती है वो 40 सेंटीमीटर की रहती है, ठीक है, पहली रस्सी की हाइट कितनी रहेगी इस प्लेटफॉर्म से, 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो दूसरी रस्सी रहेगी वो 70 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो तीसरी रहेगी वो 100 सेंटीमीटर की, अगर 4 है तो 130 सेंटीमीटर की इसकी हाइट रहती है। इस तरह से ये टोटल कितना हो गया, 2.321 मीटर। और इसमें देखिए हमने जैसा बोला इसमें रस्सियां लगी रहती है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, जैसा हमने अभी भी पढ़ा 3 से 4 रस्सियां इसमें लगी रहती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी होती है किसी किसी रिंग में। इसके अलावा जो ये कॉर्नर रहते हैं इनका कलर क्या रहता है, ब्लू रेड और व्हाइट भी होता है, ठीक है, ब्लू रेड और व्हाइट इनका कलर होता है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए रेड है व्हाइट है और ये ब्लू कलर के कॉर्नर है। इन कॉर्नर का कलर पहले से डिसाइड रहता है, कौन सा कलर रेड रहेगा, कौन सा व्हाइट, कौन सा ब्लू रहेगा, ये डिसाइड होता है जो सुपरवाइजर जहाँ पर रहेगा उसकी पोजीशन के हिसाब से। सुपरवाइजर यहाँ कहीं रहता है बीच में, और सुपरवाइजर के जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जो सबसे नज़दीक वाला उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉर्नर रहेगा उसका कलर रेड होता है, और इसके जो लेफ्ट साइड पर दूर वाला जो कॉर्नर रहेगा वो व्हाइट कलर का होता है, और सुपरवाइजर के नज़दीक वाले राइट हैंड वाला जो कॉर्नर रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा, और जो दूर वाला रहेगा वो ब्लू कलर का रहेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिसाइड रहता है। फिर उसके बाद है ग्लव्स, ग्लव्स का कलर भी इसमें रेड और ब्लू रहता है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। जो इसका वेट रहता है वो कितना रहता है, मेंस के लिए लाइट फ्लाई वेट से लेकर जो लाइट वेल्टर वेट होते हैं उसके लिए जो ग्लव्स रहते हैं वो 10 औंस के रहते हैं, और जो वेल्टर वेट से लेकर जो सुपर हैवी वेट के प्लेयर रहते हैं उनके लिए 12 औंस के ग्लव्स का यूज होता है, और विमेंस के लिए सभी भार वर्ग के लिए 10 औंस का ग्लव्स यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है वेट कैटेगरी,
लाइट एंड यूथ मैन बॉक्सर के लिए क्या वेट कैटेगरी रहती है, ये हम पहले देख रहे हैं। AIBA के अंडर जो आते हैं उनके लिए जो मिनिमम वेट रहता है 46 से 48 और फ्लाई वेट होता है 48 से 51, बैंटम वेट 51 से 54, फेदर वेट 54 से 57, जो लाइट वेट होता है 57 से 60, लाइट वेल्टर वेट 60 से लेकर 63.5, बेल्टर वेट इसमें 63.5 से 67, फिर है लाइट मिडल वेट 67 से 71, मिडल वेट 71 से 75, और इसमें लाइट हैवी वेट रहता है 75 से 80 केजी के बीच में, और जो क्रूशियल वेट रहता है वो 80 से 86, हैवी वेट 86 से 92, सुपर हैवी वेट रहता है 92। और इसी तरह से ओलंपिक के अंदर एलाइट एंड यूथ मैन बॉक्सर के लिए वेट कैटेगरी देखिए 8 तरह की, फ्लाई वेट, फेदर वेट, लाइट वेट, वेल्टर वेट, मिडल वेट, लाइट हैवी वेट, हैवी वेट और सुपर वेट। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और विमेन के लिए एलाइट एंड यूथ विमेन बॉक्सर के लिए जो वेट कैटेगरी रहेगी वो भी इस तरह से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आराम से। और एलाइट एंड यूथ विमेन बॉक्सर के लिए जो ओलंपिक के अंदर वेट कैटेगरी रहती है, फ्लाई वेट, फेदर वेट, लाइट वेट, वेल्टर वेट और मिडल वेट, इस तरह से इसमें कैटेगरी होती है। क्या क्या कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। और उस तरह से ही जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सर के लिए क्या वेट कैटेगरी रहती है, इन सब की PDF फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है बाउट की वो क्या होती है, इसमें एलाइट और यूथ मेंस और विमेन कंपटीशन के अंदर देखिए एक बाउट के अंदर 3 राउंड होते हैं, ठीक है, और एक राउंड होता है 3 मिनट का, ये याद रखना, एक राउंड होता है 3 मिनट का। यह एलाइट एंड यूथ मेंस और विमेन कंपटीशन के अंदर देखिए इस तरह से 3-1, 3-1, 3-1, इसमें 1 मिनट का जो है वो इंटरवल टाइम रहता है। और जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स कंपटीशन में एक बाउट के अंदर 3 राउंड इसमें भी होते हैं, और एक राउंड इसमें कितने का 2 मिनट का होता है, यह जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 2 मिनट का एक राउंड होता है, और इंटरवल टाइम इसमें भी 1 ही मिनट का होता है, ठीक है, 2-1, 2-1, 2-1, इस तरह से ये रहता है बाउट की टाइमिंग। और बॉक्सिंग के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट कौन से रहते हैं, इसमें हेड गियर रहते हैं और गम शील्ड रहती है, इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, दांतों में ये लगती है, और ग्रोइन प्रोटेक्टर होते हैं, हैंड रैप होती हैं, ठीक है, ग्लव्स के अंदर इस तरह से रैप किया जाता है पहले, और ग्लव्स रहते हैं एटसेट्रा, और भी कई चीज़ें इसमें रहती हैं। इसमें बॉडी प्रोटेक्टर भी होता है, सिन गार्ड होता है, ठीक है, इस तरह से और भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बता दें, हेड गियर, गम शील्ड, ग्रोइन प्रोटेक्टर, हैंड रैप, ग्लव्स, ठीक है। और इसके बाद है इसमें स्कोरिंग सिस्टम कैसा होता है, इसमें 10-point must सिस्टम होता है। 10-point must सिस्टम के अंदर देखिए क्या होता है, इसमें 5 जज रहते हैं, प्रत्येक राउंड में प्रत्येक खिलाड़ी को 10 में से वो अंक देंगे, और जो मिनिमम पॉइंट है वो 7 रहता है, ठीक है, 7 से कम पॉइंट नहीं दे सकते, 7 मिनिमम पॉइंट रहता है, 10 मार्क्स में से पॉइंट देने होते हैं, और प्रत्येक राउंड में विजेता घोषित करना होता है। और ये जो प्रत्येक जज को 15 सेकंड के अंदर स्कोरिंग पैड पर सुपरवाइजर के पास अपना जो रिजल्ट है वो सबमिट करना होता है, और फिर उसको कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है। एक और चीज़ इसमें देखिए, अगर इस तरह से पॉइंट होते हैं, अगर किसी प्लेयर के 10 पॉइंट होते हैं और दूसरे प्लेयर के 9 होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोज राउंड। अगर किसी के 10 versus 8 रहते हैं तो ये क्लियर विनर है, 10 versus 7 टोटल डोमिनेंस इसको बोला जाएगा, 7 इसमें मिनिमम मार्क्स होते हैं जैसा कि मैंने पहले बोला, इसको टोटल डोमिनेंस बोला जाएगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ फॉल, इसमें क्या क्या फॉल होते हैं, बहुत सारे फॉल इसमें होते हैं। सबसे पहले देखिए हिटिंग बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे माना इसमें अलाउड नहीं होता, ये फॉल होता है, चाहे वो अपने सिर से, कंधों से, बाजू से, ठीक है, एल्बो से या ग्लव से, किसी तरह से वो बेल्ट के नीचे नहीं मार सकता है, ये इसमें फॉल होता है। उसके बाद दूसरा है इसमें देखिए, बैक पर ओपोनेंट की बैक में नहीं मार सकता है, गर्दन में, इस तरह से ये भी इसमें फॉल होता है, अगर ऐसा करता है तो यहाँ पर ये भी फॉल माना जाएगा। इसके अलावा और भी फॉल इसमें होते हैं, जैसे देखिए होल्ड करना, हिट करना, पकड़ना या मारना,
ट्रिपिंग करना, किक करना, ठीक है, बटिंग, इसमें गला घोटना, खींचना, दांत से काटना, नकल करना या अनुकरण करना, धक्का मारना, या फिर प्रतिद्वंदी के हाथ या सिर को लॉक करना, या प्रतिद्वंदी की बाजू के नीचे एक हाथ को उसमें धक्का देना, इस तरह से करना इसमें अलाउड नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए, रस्सियों को पकड़े हुए अगर कोई हमला करता है या फिर कोई भी रस्सी का कोई गलत प्रयोग करता है, अनफेयर यूज करता है, अनुचित प्रयोग करता है, तो वो भी फॉल होता है। बॉक्सिंग के अंदर लेटना, कुश्ती करना या क्लिच में फेंकना, इस तरह का इसमें अलाउड नहीं होता है। अगर कोई खिलाड़ी गिर गया हो नीचे और वो उठने की क्रिया में होता है, उस समय पर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अगर उस पर अटैक करता है तो वो भी फॉल होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए, डकिंग बिलो द बेल्ट, ओपोनेंट खिलाड़ी की बेल्ट के नीचे झुकना भी इसमें अलाउड नहीं होता है, ये भी फॉल होता है। फिर नेक्स्ट है कम्प्लीटली पैसिव डिफेंस, अगर कोई करता है यानी कि डबल कवर कोई करता है, या फिर इंटेंशनली जानबूझकर अगर कोई गिरता है, दौड़ता है, पीठ दिखाता है या पीछे मुड़ता है, ठीक है, तो ये भी इसमें फॉल होता है। फिर उसके बाद देखिए ऑफिशियल इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें एक सुपरवाइजर होते हैं, एक रेफरी होता है और 5 इसमें जजेस रहते हैं। जो सुपरवाइजर होता है उसका काम क्या होता है, सभी प्रकार की जो तकनीकी प्रतियोगिता संबंधी मामलों की जिम्मेवारी इसकी रहती है। और जो रेफरी रहते हैं उनका क्या काम रहता है कि बाउट के दौरान ये देखते हैं कि दोनों बॉक्सर सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, सभी जो अपने रूल के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। और जो जजेस रहते हैं इनका काम क्या होता है, AIBA के जो टेक्निकल नियम रहते हैं उनको ध्यान में रखकर बॉक्सरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वो अंक देते हैं, ठीक है। जैसा हमने पहले भी बोला, 5 जज रहते हैं जो कि उनको पॉइंट देते हैं, तो ये जजेस का काम रहता है पॉइंट देना, ठीक है। ये तो इसके ऑफिशियल थे। इस वीडियो में हम इतना ही बॉक्सिंग के बारे में करेंगे, काफी शॉर्ट में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहें।